तो आज हम देखेंगे कि जो इंग्लिश टीजीटी का जो सिलेबस है वो क्या है। तो जो टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है वो उसके दो सेक्शन है। सेक्शन वन जो है लैंग्वेज का होता है और जो सेक्शन टू होता है वो लिटरेचर का होता है। तो ये जो आयोग ने जो इशू किया है और जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने साइड से भी डिटेल में जो उसका सिलेबस है वो मैं दिखाऊंगा। तो जो फर्स्ट है वो है अनसीन पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन शब्द जो है ये कंप्रिहेंड से बना है, इसका मतलब होता है कि समझ होता है। कंप्रिहेंशन मतलब एक ढंग से समझ होता है, इसका मतलब जैसे कोई पैसेज दे दिया जाएगा, अब उस पैसेज को पढ़ने के बाद आप समझे या समझे कि नहीं समझे, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि चार या पांच क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर पैसेज आपने समझा है तो आंसर दे पाएंगे, अगर आपने नहीं समझा है तो नहीं दे पाएंगे। उसके बाद है पार्ट ऑफ स्पीच है आपका इसमें, और उसके बाद फिर स्पेलिंग है, जो स्पेलिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से, मतलब उसको कई ढंग से लिख के आपको बोलेगा कि इसमें कौन सा सही स्पेलिंग है। फिर पंक्चुएशन है, जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब जो हम लगाते हैं। फिर वोकैबुलरी क्या है, इसमें जो शब्दकोश के बारे में पूछा जाता है। फिर टेंस है, जो टेंस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। फिर नरेशन है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है। उसके बाद प्रीपोजिशन यूजेज है कि एक लाइन दे देगा, उसमें कोई प्रीपोजिशन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन प्रीपोजिशन सुटेबल है। ट्रांसफॉर्मेशन है एंड एग्रीमेंट है, इसमें क्या होता है कि एक जो लाइन दे देगा और उस लाइन से को किसी दूसरे रूप में जो है कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से जो है कन्वर्जन हुआ है, कौन सा ऐसा लाइन है जो कि सिमिलर मीनिंग रखता है। तो सेक्शन टू लिटरेचर है, इसमें फॉर्म ऑफ लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। और जो है इसमें चार आदर्श हैं और उनके जो वर्क्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वो जो चार आदर्श हैं वो जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गॉल्सवर्थी। तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गॉल्सवर्थी। तो आइए इस सिलेबस को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो अनसीन पैसेज के बारे में पहले से आपको बता चुका हूँ, जो कि कंप्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन रहते हैं कि एक पैसेज दे दिया जाता है, आप समझे या नहीं समझे उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें जो दूसरा है वो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, डिटरमिनर्स, वर्ब्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर स्पेलिंग टेस्ट है, बहुत सारे दे देगा स्पेलिंग और बोलेगा कि इसमें कौन सा शुद्ध है। फिर पंक्चुएशन के बारे में पूछेगा, जो कि कामा, इन्वर्टेड कामा, सेमी कॉमास और फुल स्टॉप के बारे में पूछता है कि एक लाइन दे देगा, उसमें बोलेगा कि कौन सा गलत है या कौन सही है इस ढंग का। फिर वोकैबुलरी पूछता है, इसमें जो है वोकैबुलरी में भी थ्री कैटेगरीज रहते हैं। जो फर्स्ट रहता है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रहता है, यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द रहता है। जो वोकैबुलरी जो टू रहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहते हैं, इसमें क्या रहता है एक लाइन दे देगा, बोलेगा कि इसका मीनिंग एक शब्द में बताओ, तो वो बताना होता है। जो सेवेंथ है, जो थर्ड वोकैबुलरी है वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे मुहावरा देगा, फिर फ्रेज दे देगा, वो पूछेगा कि इसका मीनिंग्स क्या है। फिर टेंसेस के बारे में, फिर नरेशन के बारे में, प्रीपोजिशन यूजेस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब्स के बारे में, स्पॉट द एरर एक लाइन दे देगा, इसमें बोलेगा कि कहाँ पे जो है गलती है, और चार ऑप्शन दे देगा, एक कोई सेलेक्ट करना रहता है। फिर है करेक्ट सेंटेंस सेलेक्शन। फिर फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद जो सेकेंड सेक्शन रहता है वो इंग्लिश लिटरेचर रहता है, इसमें फॉर्म ऑफ लिटरेचर के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि ड्रामास एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, नॉन फिक्शन और प्रोज एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, पोएट्री एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, नॉवेल एंड इट्स वेरियस फॉर्म, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस जो है इससे संबंधित रहते हैं।
उसके बाद जो ग्लोसरी रहता है, यानी कि जो लिटरेचर के जो टर्म्स रहते हैं, लिटरेचर के जो शब्द रहते हैं, उसके बारे में भी पूछता है कि इसका मतलब क्या है। अब अदर्स के बारे में देख लेते हैं कि अदर्स के बारे में किन के बारे में पढ़ना है, तो स्पेशली चार हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्दी। तो इनके बारे में, तो इनके जीवनी के बारे में तो पढ़ना ही है, प्लस इन्होंने अपने लाइफ में कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, कौन कौन से इन्होंने नॉवेल लिखे हैं, कौन कौन से पोएट्री इन्होंने लिखे हैं, और ड्रामास के बारे में पढ़ना है, और कौन से ड्रामा का कौन सा थीम है, कौन जो है ट्रेजेडी है, कौन कॉमेडी है, या ट्रेजिक कॉमेडी कौन है, तो ये सब भी उसमें याद रखना होता है। और इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्लेंस के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में, द 17th सेंचुरी, द 18th सेंचुरी, द 19th सेंचुरी, द मॉडर्न एज जो कि 1880s से स्टार्ट हुआ था अब तक चल रहा है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, सम लिटरेरी मास्टरपीस के बारे में, इसके बारे में जो मल्टीपल क्वेश्चन रहते हैं वो भी पढ़ने हैं। तो और लिटरेरी जनरल नॉलेज के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका डिटेल में सिलेबस है, आयोग ने बहुत छोटे से में दिया है, लेकिन ये पूरा देख सकते हैं, सब इतना बड़ा है, ये सब पढ़ना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।